सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज मंगलवार की फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। सत्यम न्यूज की फटाफट खबरों में आज क्या कुछ है, देखिए इस खबर के साथ। औराई थाने के नजदीक नरथुआ में एक भीषण हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार चायपान की दुकान में जा घुसी। कार घुसते ही घटना स्थल पर अफरा तफरी फैल गई थी। हादसे में कार चालक सहित कुल चार लोग घायल होने की बात बताई गई है। सोमवार की दोपहर एक तेज रफ्तार कार भदोही से मिर्जापुर की तरफ जा रही थी। जैसे ही नरथुआ गांव के समीप पहुंची, तभी कार बेकाबू होकर चाय पान की दुकान में घुस गई। हादसे में उपरोट वासुदेवपुर व कछवा के रहने वाले राहगीर घायल हो गए हैं, जो चाय पान की दुकान के समीप खड़े थे। कार में अकेले चालक था, हादसे में वह भी घायल हुआ है। उपरोट निवासी घायल 40 वर्षीय लालचंद बिन को इलाज के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया था। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी फैली रही। ऑटो चालक हत्याकांड का सुरियावा पुलिस ने खुलासा करते हुए हत्या में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में शामिल सामानों को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। सोमवार को पुलिस लाइन में एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान ने बताया कि सुरियावा के धनापुर गणेशरायपुर सड़क के किनारे गेहूं के खेत में गोपीगंज के ऊपरवार अमिलौर के ऑटो चालक शिव प्रसाद चौबे का शव बरामद हुआ था। वारदात के बाद खुलासे के लिए टीम लगी हुई थी। एसपी ने बताया कि लूट की नीयत से चालक की हत्या की गई थी। पुलिस ने चालक की सीएनजी ऑटो मोबाइल को भी बरामद कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने औराई के महदेपुर निवासी आरोपी कुणाल मौर्य व बिक्की मौर्य को औराई के बाबूसराय के पास से गिरफ्तार किया है। आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते कोटेदार की मौत के बावजूद भी दूसरे कोटे से अटैच किए गए राशन को मृतक कोटेदार का बेटा जबरन अपने ही दुकान से राशन का वितरण कर रहा है, जिससे कार्डधारकों में नाराजगी है। मामला डीह ब्लॉक के कंचनपुर ग्राम सभा का है। सोमवार को ग्राम प्रधान पुष्पा देवी ने दर्जनों कार्डधारकों के साथ डीएम दरबार पहुंचकर शिकायत की है। कहा कि कोटेदार धनीलाल की मौत हो चुकी है, दुकान को कलापुर दुकान से संबंध किया गया है, लेकिन कोटेदार का पुत्र जबरन अपने मृतक पिता की दुकान पर राशन को उतरवार कर वितरण कर रहा है। डीएम को शिकायती पत्र देते हुए महिला ग्राम प्रधान ने कार्रवाई की मांग की है। भदोही शहर के स्टेशन रोड के एक बैंक की बिल्डिंग से अचानक धुआं उठने लगा। धुआं उठता देख बैंक सुरक्षा कर्मियों सहित आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। बैंक की बिल्डिंग में लगे एसी के आउटडोर के समीप से अचानक धुआं निकलने लगा था। देखते ही देखते आग की लपटें भी उठने लगी थी। धुआं निकलता देख बैंक कर्मियों सहित सुरक्षा गार्डों में हड़कंप मच गया। एसी के 3 आउटडोर जल गए हैं। हालांकि इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने फायर सिस्टम से आग पर काबू पाया। उधर बैंक के शाखा प्रबंधक मनीष कुमार पांडे ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। सोमवार दोपहर 2:30 बजे का मामला बताया गया है। पंचायत भवन का ताला तोड़कर चोरी की वारदात का ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया है। चोरी के सामानों के साथ चोर भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान ने बताया कि 16 व 17 फरवरी की मध्य रात झिंगुरपुर पंचायत भवन के दरवाजे की कुंडी तोड़कर अज्ञात चोरों ने बैटरी, इन्वर्टर, सीपीयू, मॉनिटर उठा ले गए थे। ग्राम प्रधान रमजान अली की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए चोरी का खुलासा करने के लिए टीम का गठन किया गया था। 24 घंटे के अंदर ही चोरी के सामानों के साथ मर्चवाड़ नहर पुलिया से वाहन चेकिंग के दौरान मर्चवाड़ निवासी करण कुमार सरोज, औराई के घरौदा निवासी ओम प्रकाश यादव उर्फ नानू व बनपुरवा जंगला के विकास यादव को गिरफ्तार किया गया है। सत्यम न्यूज पर खबर चलने के 24 घंटे के अंदर ही विद्युत विभाग की नींद टूट गई। आनन फानन में गांव में पहुंचकर जले ट्रांसफार्मर को बदलते ही विद्युत आपूर्ति को बहाल करा दी गई है। आपको बता दी कि डीग ब्लॉक के नगरदा गांव के ब्राह्मण बस्ती में लगा ट्रांसफार्मर जला पड़ा था, जिससे यादव ठाकुर निषाद व ब्राह्मण बस्ती अंधेरे में थी। विद्युत विभाग के अधिकारी सुनने को तैयार नहीं थे। ग्रामीणों की शिकायत पर इस खबर को सत्यम न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। खबर दिखाने के 24 घंटे के अंदर ही सिमराज पावर हाउस से पहुंचे लाइनमैन सुरेंद्र सिंह व राम मूरत ने ग्रामीणों की मदद से ट्रांसफार्मर बदलकर विद्युत आपूर्ति को बहाल कर दिया है।
जमीन कब्जा करने को लेकर दो दर्जन से अधिक दबंगों ने पहुंचकर मकान व परिवार के लोगों पर हमला कर दिया है। हमले से गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। दबंगों ने मारपीट कर परिवार की दो महिलाओं को घायल कर दिया है। यह मामला है भदोही के मोड़ पुलिस चौकी अंतर्गत लागनबारी के दारापट्टी गाँव का। राम प्रसाद यादव ने बताया कि परिवार के सभी सदस्य सुबह काम पर निकल गए थे, तभी जमीन पर कब्जा करने के लिए दो दर्जन से अधिक दबंगों ने हमला कर दिया। हमले का विरोध करने पहुंची गीता देवी व रविता को दबंगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। दोनों घायलों का इलाज महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत की है। औराई के घुसियाम मिसानी मोहल्ले में अबूझाल में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। हालांकि औराई इंस्पेक्टर सज्जदानंद पांडे ने बताया कि हृदयगत रुकने से यह मौत हुई है। उधर मौत को लेकर इलाके में तरह तरह की चर्चा व्याप्त रही। मोहल्ले के 35 वर्षीय स्वदेश श्रीवास्तव नामक व्यक्ति अबूझाल में मौत हो गई थी। हालांकि परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया था। मौत की सूचना पर औराई पुलिस मिश्राइनपुर मोहल्ले में पहुंची थी, लेकिन तब तक परिजन शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए निकल पड़े थे। फिलहाल मौत को लेकर इलाके में तरह तरह की चर्चा व्याप्त है। ज्ञानपुर के जोरई भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के समीप ट्रैक्टर चालक की लापरवाही से एक हादसा हुआ है। हादसे में बाइक सवार महिला घायल हो गई है। सूर्यामा के दानूपुर निवासी अच्छेलाल की पत्नी सुशीला देवी परिवार के एक सदस्य की बाइक पर बैठकर ज्ञानपुर की तरफ जा रही थी। भाजपा कार्यालय के समीप पहुंची तभी एक ट्रैक्टर बगल से गुजर रहा था। ट्रैक्टर ट्राली में महिला का बाइक फंस गया, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। हादसे में सुशीला देवी घायल हो गई थी। उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। समरसेबल में आई खराबी के चलते काफी समय से गांव का सामुदायिक शौचालय बंद पड़ा है। ग्रामीणों की लगातार शिकायत के बावजूद भी ग्राम प्रधान मौन साधे बैठे हुए हैं। मामला पूरे रजा राम का पूरा गांव का है। गांव के रजनीश कुमार पांडे ने बताया कि कुछ समय पहले शौचालय के बाहर लगे समरसेबल का विद्युत केबल चोर उठा ले गए थे, जिससे शौचालय पर लगी टंकी में पानी नहीं भर पा रहा था और शौचालय बंद पड़ा था। गांव के लोग खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। रजनीश कुमार पांडे ने विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बंद पड़े शौचालय को चालू कराए जाने की मांग की है। औराई के औरंगाबाद गांव के समीप हाईवे पर जा रही एक बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में बाइक पर सवार दो युवक घायल हो गए हैं। वाराणसी के जनसा निवासी प्रमोद बिंद व मिथिलेश एक बाइक पर सवार होकर प्रयागराज की तरफ जा रहे थे। औरंगाबाद गांव के समीप पहुंचे तभी पीछे से एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ है। सूचना पर पहुंचे सरकारी एम्बुलेंस के EMT गौतम यादव व पायलट हृदय नारायण चौहान ने घायल बाइक सवारों को CSC औराई में भर्ती कराया था। 22 फरवरी से होने वाली यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर सोमवार को मुख्य विकास अधिकारी यशवंत कुमार सिंह ने अधिकारियों की बैठक ली है। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक लेते हुए CDO ने तमाम अहम निर्देश दिए हैं। परीक्षा को निष्पक्ष व नकल विहीन तरीके से संपन्न कराए जाने को लेकर CDO ने यह बैठक ली है। 3 जोन 12 सेक्टर 96 स्टेटिक मजिस्ट्रेट की निगरानी में भदोही जिले में यूपी बोर्ड की परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। हाईस्कूल की परीक्षा में 30,147 व इंटरमीडिएट की परीक्षा में 25,044 परीक्षार्थी शामिल होंगे। भदोही जिले में यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए 96 केंद्र बनाए गए हैं। डीग ब्लॉक के किशुनदेवपुर के एक निजी स्कूल में 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ सोमवार को किया गया। खेलकूद में जलेबी, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, 500 मीटर रेस जैसे खेल शामिल हैं। प्रतियोगिता के पहले दिन 500 मीटर रेस में अखिलेश यादव प्रथम व दूसरे स्थान पर समीर अली रहे। प्रतियोगिता में शामिल बच्चों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर स्कूल के विकास सेठ, नीलम, आरती, शिवम, आनंद आदि मौजूद रहे। गंगा में नाव चलाकर परिवार का पेट पालने वाले एक गरीब नाविक की नाव को दबंगों व शरारती तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर गंगा में बहा दिया था। सुबह गरीब नाविक घाट पर पहुंचा तो उसकी नाव गायब थी।
हालांकि नाविक ने इस घटना की जानकारी पुलिस को भी दी थी, लेकिन पुलिस ने गरीब की फरियाद नहीं सुनी। कोरोना इलाके के नगरदा निवासी डॉक्टर निषाद ने बताया कि नगरदा घाट से वह नाव चलाकर अपने परिवार का पेट पालता है। कुछ शरारती तत्वों ने रात के अंधेरे में नाव को क्षतिग्रस्त कर गंगा में बहा दिया था। काफी खोजबीन के बाद घाट से 500 मीटर दूर पानी के अंदर से नाव मिली है। डॉक्टर निषाद ने पुलिस से गुहार लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। औराई पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम ने उड़ीसा के जंगलों से गांजा की खेप ले जाने वाले तस्करों को गिरफ्तार करते हुए ट्रक, ब्लोरो व 19 बोरियों में भरा 4 कुंतल 1 किलो 45 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। गांजा सहित वाहनों की कीमत 1,10,00,000 रुपया आकी गई है। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्या ने इस बात की जानकारी दी है। पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता के दौरान एसपी ने बताया कि टीम ने माधो सिंह रेलवे क्रॉसिंग के पास से वाहन चेकिंग के दौरान अंतर जनपदी 3 सदस्यों के साथ यह गांजा की खेप बरामद की है। बरामद करने वाली टीम को एसपी ने 25,000 रुपया नगद इनाम देने की घोषणा की है। गिरफ्तार तीनों गांजा तस्कर उड़ीसा के बताए गए हैं। पूंच के वहीदा नगर में चल रहे 16 दिवसीय क्रिकेट मैच प्रतियोगिता का सोमवार को समापन हो गया। प्रतियोगिता के आयोजक सतीश यादव ने बताया कि क्रिकेट मैच प्रतियोगिता समापन के मुख्य अतिथि डीग ब्लॉक प्रभारी मनोज मिश्रा रहे। कुल 48 टीमों ने इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया था। फाइनल मुकाबला नौधन और गोधना के बीच खेला गया। गोधना की टीम ने बाजी मारी है। मुख्य अतिथि ने विजेता टीम को 5100 नगद, टी शर्ट, मेडल व मैन ऑफ द मैच देकर सम्मानित किया है। इसी तरह उप विजेता टीम को 2500 नगद, टी शर्ट व मेडल देकर खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन किया गया है। मैच का संचालन नूर आलम कर रहे थे। इस मौके पर अजय पाल, ब्रजेश यादव, संजीव कुमार, गुड्डू पाल आदि मौजूद रहे। सोमवार को एक परिवार की देवरानी व जेठानी के बीच कहासुनी हो गई। इसी दौरान दोनों की तबीयत बिगड़ गई। उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। मामला ज्ञानपुर के काबल गांव का है। किसी बात को लेकर संजू व पूजा के बीच कहासुनी हो गई। दोनों आपस में देवरानी व जेठानी बताई गई हैं। कहासुनी के बीच एक महिला ने कुछ खा लिया जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। यह देख दूसरी महिला की भी तबीयत खराब हो गई। परिजन इलाज के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे। गोपीगंज इलाके के कसीदहा चकसाहब गांव के कब्रिस्तान के समीप जुआरियों का आतंक पूरी तरह कायम हो चुका है। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक जुआरियों का चौपाल सजा रहता है, जहां रोजाना हजारों के दांव लगाए जाते हैं। इलाके की युवा पीढ़ी भी इन जुआरियों के चक्कर में फंसकर बर्बाद हो रही है। इलाके के लोगों ने बताया कि जुआरियों के बीच हार जीत को लेकर अक्सर मारपीट भी होती रहती है। इलाके के लोगों ने पुलिस का ध्यान आकर्षित कराते हुए कब्रिस्तान के समीप सज रहे जुए के फड़ को बंद कराए जाने की मांग की है। गोपीगंज नगर के पूरे रजई के एक स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया था। वहीं कक्षा 12 के छात्रों का विदाई समारोह भी रखा गया था, जहां स्कूल के शिक्षकों ने छात्र छात्राओं को उपहार भेंट कर विदा किया। उधर वार्षिक उत्सव को लेकर स्कूल के बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर आए हुए लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में पहला, दूसरा व तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर विनय जायसवाल, आरती मौर्य, विनोद मौर्य, प्रशांत मौर्य, डॉक्टर बीएस मौर्य आदि मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी अगले 100 दिनों तक घर घर पहुंचकर लाभार्थी जनसंपर्क अभियान चलाएगी। इसी अभियान के तहत सोमवार को औराई के चीनी मिल रोड पर दुर्गा मंदिर परिसर में भाजपा ने एक बैठक की, जिसमें मुख्य अतिथि रत्नाकर पाठक रहे। अभियान की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। अधिकारी व कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर लाभार्थी जनसंपर्क अभियान के तहत सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। बैठक में कुलदीप दुबे, प्रदीप, राकेश आदि लोग मौजूद रहे। 9 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को जन अधिकार पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय ज्ञानपुर में प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र डीएम कार्यालय को सौंपा है। जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष राधेश्याम मौर्य के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पहुंचे नंदलाल पासी, अशोक सम्राट, विनोद कुमार मौर्य व आचल गौतम ने प्रदर्शन करते हुए जातिगत जनगणना कराने की मांग सहित डीजल पेट्रोल के बढ़े हुए दामों को घटाने की मांग, छोटे मझोले व्यापारी, दुकानदारों व किसानों का कर्ज व बिजली बिल माफ करने सहित कुल 9 सूत्री मांगों को लेकर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर हुंकार भरी थी।
आप अपने इलाके, क्षेत्र, गली, मोहल्लों की खबरें हमें बता सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। सत्यम न्यूज ऐसी खबरों को प्रमुखता से दिखाएगा। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताजा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।